मैं चेतावनी देना चाहना मोदी नूं और उहदे चहेतियां नूं, हुण भी अकल करो। ये देश का किसान है, ये कोई तुहाडा पोलिटिकल विरोधी नहीं। जे देश दे किसान दी हुण भी नहीं सुननी तां याद रखो, समा बहुता नहीं, सारे देश विचों फट्टी पोच के रख देंगे। समझना चाहिए मोदी नूं, जिवें भाजपा दे एक वड्डे लीडर ने मोदी नूं सलाह दित्ती सी अज तो कोई 3 महीने पहला, भी तू भुलेखे च है, तू जिन्हां लोकां नाल मत्था ला लिया उन्हां दे इतिहास नूं तू नहीं पढ़िया। इस अंदोलन का आधार पंजाब है, हरियाणा साडा भरा है, वह साडे नाल आया, पर पंजाब दा एक वखरा इतिहास है। पंजाब च बहु गिणती सिख किसान ने, सिखां दा एक इतिहास है। ये दुनिया मनदी है भी जिथे खड़ जाण कदे पिछे नहीं मुड़दे। तुसी पुट्ठा पंगा लै लिया उहनां लोकां नाल जिहड़े अपनी गल कह के पिछे नहीं मुड़दे, ते जे मोदी साहब हाले तुसीं वतीरा ना बदलिया तां अपने घर की तैयारी कर लो, अगले इलैक्शन विच वापस गुजरात जाओगे। और मैं तुहाडी जानकारी लई एक गल होर दसनी है, भावें ये बंगाल चो चोणां हारे ने, हाले मैनूं लगदा 1-2 दिन ये सदमे च रहणगे। दूजे पासे कोविड नां दी बीमारी ने सारे देश नूं घेरिया, सारी दुनिया मोदी दी आई तई फेरन लगी हुई है। इको एक प्रधानमंत्री है दुनिया का जिन्हें पहला अपने देश तो दवाइया विदेशों नूं एक्सपोर्ट कर दित्तियां, हुण हाड़े कढ़दा फिरदा भी मेरे लिए दवाइया भेजो। पहला देश की ऑक्सीजन विदेशों नूं भेजती, तो हुण ऑक्सीजन मिलती नहीं। अज भी मैं खबर सुन के आया बेंगलौर च सरकारी हस्पताल च 24 मौतें इसलिए हो गई भी ऑक्सीजन खत्म सी। हर रोज मेरठ के 5 मौतें हो गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म सी। दिल्ली की हाई कोर्ट ने झाड़ पाई, अज सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई है भी तुरंत प्रबंध करो ऑक्सीजन का। मैं एक तो तुहानू बेनती करनी है, मैनू तुहाडी बहुत चिंता है क्योंकि तुसी साडे सद्दे ते आए हो, इस करके साडी तुहाडे प्रति एक इखलाकी जिम्मेवारी बनती है भी तुहाडा ख्याल रख्या जाए। असी सारे साथियों नूं जिहड़े लंगरां च ने उहनां नूं बेनती की है भी आपो अपने लंगर चों हर रोज़ काढ़ा पिलाओ सारे जिन्ने सज्जने ते जिन्ने किसान ने। सवेरे चाह गर्म पियो, ठंडा पानी पीना, ठंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिओ। समझ लो दा कारण की है, इहदा वायरस तुहाडे गले विच बहिंदा, आके 4 दिन गले च रहिंदा है, ते जे तुसी ध्यान ना कीता फिर एकदम तुहाडे फेफड़िआं नूं फड़ लैंदा है, ते तुहाडा साह रुकदा, ऑक्सीजन मिलदी नहीं, डैथ हो जाती है। इस लई इहदा इलाज सब तो वधिया, दवाइयां तो भी वधिया इलाज यह है, जदों तुसी पानी पींदे हो तां गर्म पानी पीओ, चाह पींदे हो ठंडी करके ना गर्म गर्म चाह पीओ, काढ़ा पीओ जिहड़ा असीं सारिआं नूं कहा। तो मैं डाक्टरां दी टीम नूं बेनती कीती परसों, कोई मेरे कोई सज्जन मैनूं कहिंदे सी जी असीं पैसे देने, मैं कहा पैसे मैं लैणे नहीं। तो 1 लाख रुपया विद्यार्थियों ने, गढ़दी वाले कॉलेज के विद्यार्थियों ने इकट्ठा किया तुहाडे लई। मैं उन्होंने कहा भी इहदे लई विटामिन सी दीआं गोलियां ते विटामिन डी दीआं गोलियां कट्ठियां खरीद के सानू भेज दिओ, असीं सारे जिन्ने भी इत्थे सज्जन बैठे ने लंगर छकण तो बाद सब नूं 1-1 गोली विटामिन सी दी ते विटामिन डी दी बजुर्गां नूं वो दे दिया करिए ताकि वह तंदुरुस्त रहन। इस बीमारी का सब तो वधिया इलाज यही है आ टीके बीमारियां, बाकी जिहड़े इलाज ने वह सैकेंडरी ने। जे तुसी गर्म पानी घट्टो घट 4 वार दिन विच पीओगे, घट्टो घट 4 वार दिन विच गर्म पानी पीओगे, उन्हें तुहाडे जे गले च आया भी उहने पेट चले जाना है। पेट विच इन्ने एसिड्स ने, कुदरत ने ऐसे तेजाबी मादा पेट विच है जिहदे चों खत्म हो जाता है।
तो इसलिए तुहानू सारयां नू बेनती है भाई ध्यान करो आपो अपना ख्याल रखो अपनी खुराक खाण तो बाद पानी ठंडा ना पियो जदों पियो गर्म पियो ये आदत बना लो ये बीमारी ने पता नहीं किन्नी देर खैड़ा नहीं छड़ना इसलिए मेरी तुहानू अपील है ते सारे लंगरां वाले नू अपील है भाई तुसी जे नहीं पता काड़े दे विच की है एक पैकेट इत्थों खरीद लो उहदे ते सारा कुछ लिखिया है ओ समान कट्ठा मंगवा के रगड़ के रख लो हर रोज सब नू काढ़ा पीण लई दिओ एक गल होर बहुत जरूरी है तुहानू दसणी मैं तीन क दिन पहला मेरे हाथ एक होर रिपोर्ट लगी है मोदी सरकार नाल एक पासे तो यह पंगा पिया है पर उहदी नीयत बिल्कुल साफ नहीं मेरे हाथ रिपोर्ट लगी है जिहड़ी हुण तुहाडी अगली सौनी दी झोने की फसल दीआं कीमतां सिफारश की है प्राइस कमीशन ने हाँ ये किया उन्होंने मामूली जिहा वाधा तुहाडे झोने की कीमत करता 72 रुपये क्विंटल का वाधा करके 1960 रुपये कीमत तय करती तुहाडी झोने की अगले साल की फसल लई पर नाल हेठां जिहड़ियां सिफारशां कीतीआं वो बहुत गंभीर ने उही कमीशन कहिंदा जिवें अगे हर बार लिखदा है भी अपनी खरीद की नीति नूं बदलो बार बार सरकार ते दबाव पाउंदा है भाई सरकार नूं बहुत खर्चा करना पैंदा है सरकार नूं रख रखाव ते अनाज दे बहुत घाटा पैंदा है इहदी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत है इहदी सांभ संभाल लई बहुत वड्डा स्टाफ रखना पैंदा है इदां दीआं सिफारशां करके फिर वो लिखदा है इस करके सरकार का काम व्यापार करना नहीं हुंदा सरकार इस झंझट विचों निकले लेकिन वो ये भी भुल गया साढ़े देश विच सोशलिस्टिक पैटर्न की सरकार है समाजवादी आधार ते चलण वाली सरकार है जिहदी जिम्मेवारी है भी आप इस देश दे वासियां दा उन्होंने खाण पहन खाण पीण का उन्होंने जो उन्होंने खरीदना उहदा ख्याल रखे ये ना होए भी कोई सरमाएदार अपने कोल जखीरेबाजी करके लोगों नूं लुट्टण लग पए जिहड़ी अपनी लड़ाई है उहदे विच जिहड़ा जरूरी वस्तां का कानून है वह यही है उहदे विच सरकार कोल अधिकार हुंदा सी भी जे कोई अपने कोल जमा करके स्टॉक रख लवे बाजार विच महंगाई हो जाए तो सरकार को अधिकार सी छापा मार सकती सी छापा मार के उहदे कोलों फालतू स्टॉक फड़ सकती सी ते उहनूं सज़ा भी दे सकती सी स्टॉक जब्त भी कर सकती सी पर इस सरकार ने नवां कानून बना के कह दिता भी कोई स्टॉक लिमिट नहीं कोई सरकार चैक नहीं करू कोई जे महंगाई भी हो गई किसी को 10 लाख टन अनाज पे है तो सरकार इस गल का ख्याल रखू छापा मारन वेले बई उहदा किते बाहर सौदा किया हो प्रभावित नहीं हुंदा।